टाइम 24 न्यूज जज्बा सच दिखाने का। यूपी के बुलंदशहर में जीजा साली के अवैध संबंधों में बाधक बने साले की रिश्ते के ही जीजा ने गला दबाकर हत्या कर दी और फरार हो गया। पुलिस ने मृतक के शव का पंचनामा भर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और हत्या के शक में आरोपी रिश्ते के जीजा की तलाश में जुट गई है। ये तस्वीर है बुलंदशहर के पासू में रहने वाले 28 साल के ज्ञान प्रकाश की, जिसकी हत्या का आरोप उसके ही रिश्ते के जीजा सुखदेव पर है। दरअसल दो दिन पहले ज्ञान प्रकाश को उसके ही रिश्ते का जीजा सुखदेव घर से बुलाकर ले गया था और आज सुबह ज्ञान प्रकाश का गांव के ही बाहर एक आम के बाग में शव बरामद होने से इलाके में सनसनी फैल गई। एक भाई दामाद था, सुखदेव उसका नाम था और गांव कौन सा था? मैथना का था। और हमारी बहन के साथ आया था वो। अच्छा। दवा दिलाने के बहाने से और मेरे भतीजे को उठा ले गया। क्या भाई पास जा रहे हैं, हम लौट के आ रहे हैं और उसके साथ और कई लोग थे उसके परिवारजन, और ले गए और उसका जो मर्डर कर दिया। बॉडी कहाँ मिली? बॉडी मिली पहासू के आसपास, मतलब 1 किलोमीटर आगे बाग में। ये थाना पहासू में ज्ञान प्रकाश उर्फ मोंटी नामक एक व्यक्ति है जिसका शव संदिग्ध परिस्थितियों में एक बाग में मिला है अलीपुर गांव के पास। और ये दो दिन पहले अपने बुआ के दामाद के साथ और बुआ के साथ घर से निकला था। अपने दो दिन तक घर वाले तलाश करते रहे लेकिन पता नहीं चला। कल 100 नंबर पर घर वालों द्वारा सूचना दी गई थी, पुलिस मौके पर गई तो जो इसके पिता थे उन्होंने बताया कि अभी रिश्तेदार के साथ गया है और हम एक दो दिन तलाश लेते हैं, फिर जैसा होगा कार्रवाई करेंगे। आज शव मिला है, संभावना ये है गला घोट करके उसकी हत्या की गई है और आरोप उसके बुआ के दामाद सुखदेव सनक मेवालाल के ऊपर है जो जहांगीरपुर का रहने वाला है। फिलहाल वो फरार है, उसका मोबाइल भी स्विच ऑफ है, अपने घर भी नहीं है, तो आशंका पूरी यही है कि उसी के द्वारा हत्या की गई है। और जो तथ्य सामने आ रहे हैं उसके अनुसार कुछ ऐसा है कि मृतक की बहन से वो शादी करना चाहता था, मृतक इसके लिए तैयार नहीं था। जो वो आदमी है अभियुक्त कथित, उसकी पत्नी ने सुसाइड कर लिया था और ऐसी बातें बताई जा रही हैं कि मृतक की बहन से और उसके बीच में कुछ इलिसिट रिलेशन थे, उसी वजह से उस अभियुक्त की पत्नी ने सुसाइड किया था और उसके बाद से ही वो शादी के लिए दबाव बना रहा था जिसमें मृतक अवरोध पैदा कर रहा था। फिलहाल अभी जाँच का विषय है, बहुत शुरुआती दौर में जाँच है लेकिन उम्मीद यही है कि संभवतः उसी के द्वारा हत्या की घटना। अगर बुलंदशहर पुलिस की माने तो ज्ञान प्रकाश की बहन से सुखदेव के अवैध संबंध थे और सुखदेव अपनी रिश्ते की साली से शादी करना चाहता था जिसका विरोध ज्ञान प्रकाश कर रहा था। पुलिस को आशंका है कि शादी का विरोध करने पर ही सुखदेव ने ज्ञान प्रकाश की हत्या कर दी और फरार हो गया। फिलहाल पुलिस ने मृतक के शव का पंचनामा भर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मृतक के रिश्ते के जीजा के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर पुलिस हत्यारे की तलाश में जुटी है। एडिटर इन चीफ इकबाल सैफी के साथ हामिद सैफी, टाइम 24 न्यूज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।